नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट में। मैं बता दूं दोस्तों कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत के पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और दोस्तों तुर्की के TRG-300 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के बीच में कंपेयर कराने वाला हूं। और दोस्तों दोनों की कंपेयर से जानेंगे कि किस देश का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सबसे ज्यादा घातकवर साबित हुआ है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों मल्टीपल रॉकेट लॉन्चरों की निर्माण की। तो दोस्तों जहां पर पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को टाटा ग्रुप लार्सन एंड टुब्रो यंत्रा लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, वहीं मैं बात करूं TRG-300 की तो दोस्तों इसको रॉकेटसन कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया है। दोस्तों जहां पर पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर 1999 से ही भारतीय सेना में शामिल है, वहीं मैं बात करूं TRG-300 की तो दोस्तों यह 2000 से ही तुर्की सेना के पास मौजूद बताया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर में लगने वाले क्रू मेंबर की। तो दोस्तों जहां पर पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर में 5 क्रू मेंबर की आवश्यकता होती है, वहीं पर TRG-300 में 3 क्रू मेंबर की आवश्यकता होती है। बात करें दोस्तों यूनिट प्राइस की, तो दोस्तों जहां पर पिनाका की एक यूनिट $3 मिलियन बताई जाती है, वहीं मैं बात करूं TRG-300 की यूनिट प्राइस की तो दोस्तों उसकी एक यूनिट $3.5 मिलियन तक बताई जाती है। जहां पर दोस्तों पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर में 12 रॉकेट लॉन्चिंग बैरल ट्यूब होते हैं, वहीं पर TRG-300 में 8 ट्यूब ही बताए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की लंबाई के विषय में। तो दोस्तों जहां पर पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की लंबाई 4.8 मीटर तक बताई जाती है, वहीं मैं बात करूं TRG-300 की लंबाई के विषय में तो दोस्तों इसकी लंबाई 4.8 मीटर तक बताई गई। बात करें डायमीटर की तो दोस्तों जहां पर भारत के पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के डायमीटर 14 mm तक बताया जाता है, वहीं मैं बात करूं TRG-300 के डायमीटर के विषय में तो दोस्तों इसका डायमीटर 302 mm तक बताया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं रेट ऑफ वेट की। अब दोस्तों बात करते हैं रॉकेट वेट की। तो दोस्तों जहां पर पिनाका में लगने वाले रॉकेट के वजन 275 किलोग्राम तक होता है, वहीं मैं दोस्तों बात करूं TRG-300 में लगने वाले रॉकेट वेट के विषय में तो दोस्तों उसमें 650 किलोग्राम के रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जहां पर पिनाका मल्टीपल रॉकेट अपने 700 किलोग्राम तक के वारहेड को कैरी करता है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों TRG-300 की तो वह अपने साथ 180 किलोग्राम तक के वारहेड को कैरी करने में सक्षम बताया गया है। मैं दोस्तों यहां पर बात करूं पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर में लगने वाली रॉकेट स्पीड की तो दोस्तों जहां पर एक रॉकेट की स्पीड 4.7 मैक तक बताई गई है, वहीं मैं बात करूं टीआरजी में लगने वाले रॉकेट स्पीड के विषय में तो दोस्तों उसकी स्पीड 4.2 मैक तक बताई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं फायरिंग रेंज की। तो दोस्तों जहां पर पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की फायरिंग रेंज 90 किलोमीटर तक बताई जाती है, वहीं पर दोस्तों TRG-300 की 120 किलोमीटर तक बताई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं रेट ऑफ फायर की। तो दोस्तों जहां पर पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से 40 सेकंड में एक रॉकेट लॉन्च की जाती है, वहीं मैं बात करूं TRG-300 की रेट ऑफ फायर की तो दोस्तों यह 20 सेकंड में एक रॉकेट को लॉन्च करती है। बात करें रीलोड की तो दोस्तों जहां पर पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर 4 से 15 मिनट में रीलोड होता है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों TRG-300 की तो वह 20 मिनट में रीलोड होती है। बात करें दोस्तों अब गाइडेंस सिस्टम की तो दोस्तों जहां पर पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर में INS GPS गाइडेंस सिस्टम का प्रयोग किया गया है, वहीं मैं बात करूं TRG-300 में लगने वाले गाइडेंस सिस्टम की तो दोस्तों इसमें भी INS GPS और ग्लोनास सिस्टम का प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर में लगने वाले इंजन के विषय में। तो दोस्तों जहां पर पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर में BEML टेट्रा T930 मल्टी फ्यूल टर्बोफैन इंजन का प्रयोग किया गया है, वहीं मैं बात करूं दोस्तों TRG-300 में लगने वाले इंजन के विषय में तो दोस्तों इसमें जर्मन मैन 6x6 मल्टी फ्यूल्ड रॉकेट मल्टी फ्यूल टर्बोफैन इंजन का प्रयोग किया गया है। तो गाइस ये तो ही दोनों देशों के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के कंपेयर, लेकिन दोस्तों इस पर आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएगा। साथ ही जल्दी जल्दी अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय।